दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रूट बेस्ड वोकैब। आज किस टॉपिक में हम सीखेंगे कैसे रूट वर्ड से वोकैबलरी याद की जा सकती है। एक अगर अपने को रूट के सेंस का पता है ना, तो जिस भी वर्ड में वो रूट यूज हुआ है तो उसका अपने को एक हिंट पता लग जाता है कि इस वर्ड का मीन ये हो सकता है। ओके, तो आज के दो दो रूट हैं, वो है एक साइड है, दूसरा है फोबिया। साइड मीन टू किल समवन, ठीक है, किसी को मार देना। कहीं भी आपको ये वर्ड दिख गया CIDE साइड, इसका मीन किल से रिलेटेड ही होगा, किसी को मारने से रिलेटेड ही होगा इसका मीन। ओके, जो नेक्स्ट अपना रूट वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया होता है एन एक्सट्रीम फियर, किसी भी चीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा डर, जो इरेशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन डर है किसी चीज़ का, वो होता है फोबिया। तो इन दोनों वर्ड्स पे बेस्ड वोकैब आज पढ़ेंगे। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है सुइसाइड। बड़ा ही कॉमन वर्ड है सुइसाइड। सुइसाइड मीन किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद की ही हत्या कर लेना, खुद को ही मार देना, सुना है आत्महत्या, ठीक है, बड़ा कॉमन वर्ड है। जब भी ये वर्ड यूज होता है तो उसके पहले या तो अटेम्प्ट यूज होता है या कमिट होता है, ठीक है, दो वर्ड लगते हैं इनके बीच में, कोई भी लग सकता है, अटेम्प्ट कमिट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, रागिनी कमिटेड सुसाइड यस्टरडे, रागिनी ने कल आत्महत्या कर ली, ठीक है, कमिट होता है हमेशा सुसाइड, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड याद हुआ सुइसाइड, इट मीन आत्महत्या या किलिंग ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड मीन किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने ही भाई को मार देना इज नोन एज फ्रेट्रीसाइड। बड़ा तगड़ा क्राइम है अपने भाई को मार देना ना, तो फ्रेट्रीसाइड मीन किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। हमें पता है यहाँ पे वर्ड साइड यूज हो रहा है, ठीक है, जहां जहां वर्ड साइड यूज होगा वहां उसका मीन पता लग ही जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि मारने से रिलेटेड है। जो फर्स्ट वर्ड आया फ्रेट्री साइड, तो टोटल का मीन आ गया भाई की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है सरोरी साइड। सरोरी साइड मीन किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही बहन को खुद मार देना इज नोन एज सरोरी साइड, अपनी ही बहन की हत्या, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर इज नोन एज सरोरी साइड। बात वही रहेगी, साइड वर्ड आ रहा है, किलिंग से रिलेटेड है, सरोरी रूट वर्ड यूज होता है सिस्टर के लिए, तो वर्ड का मीन आ गया सरोरी साइड मीन किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर या बहन की हत्या। है अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, क्राइम, ऐसा क्राइम जिसमें आप अपने खुद की ही माँ को मार दें इज नोन एज मैट्रिसाइड। मैट्री वर्ड रिलेटेड है माता से, साइड मीन टू किल समवन, तो माता को मार देना इज नोन एज मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्री वर्ड फादर से रिलेटेड होता है, अपने को पता है पैट्री मनी मिलती है, पैट्री मनी मीन्स विरासत में जो संपत्ति मिलती है, इनहेरिटेंस में, फादर से या अपने वंशज से, तो सेम पैट्रीसाइड मीन अपने ही फादर को मार देना, किलिंग ऑफ ओन फादर, अपने ही पिता की हत्या इज नोन एज पैट्रीसाइड। पैट्री वर्ड यहाँ भी यूज होगा वो फादर से रिलेटेड होता है, साइड का जहाँ भी यूज होगा वो किलिंग से रिलेटेड होता है, किसी को मारने से संबंधित होता है। नेक्स्ट वर्ड है मैरिटी साइड। मैरिटी साइड इज किलिंग ऑफ वन स्पाउस, पति या पत्नी की हत्या, पति पत्नी को मार दे, पत्नी पति को मार दे इज नोन एज मैरिटी साइड। ओके, मैरिटी साइड मीन किलिंग ऑफ वन स्पाउस। दोस्तों, जो फोबिया से रिलेटेड वर्ड है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।